पूरी दुनिया में हाहाकार मचाने वाला कोरोना वायरस लगातार लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। कोरोना वायरस कितना खतरनाक है आप इससे ही समझ लें कि कोई रास्ते में चलते चलते दम तोड़ देता है तो कोई देश कोरोना वायरस से पीड़ित अपने नागरिकों को अपने देश में आने से रोक देता है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस विनाश रूपी वायरस के खिलाफ युद्ध स्तर पर जुट गए हैं और दुनिया से दूर इस शहर को देख लीजिए, कभी हंसने खेलने वाला ये शहर बिल्कुल शांत है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। जो इस शहर में है उसे इसी शहर में कैद कर दिया गया है और जो यहाँ दूसरे शहरों से आ रहे हैं उनके लिए वापस जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ये है चीन का वो शहर जहाँ दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस जन्म ले चुका है। जी हाँ, ये वुहान है, चीन का वुहान, और यहाँ से शुरू हुई एक नई तबाही की तस्वीर को रोकने के लिए हर एक शख्स अपने अपने स्तर पर जुटा है, क्योंकि कोरोना वायरस इंसानों से इंसानों में फैल रहा है। मतलब और किसी कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज के पास से भी गुजर गए तो समझो आपकी मौत अब नजदीक है। यही वो कारण है जिसकी वजह से चीन का शेयर बाजार, उद्योग धंधे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, चाहे वो गोला बारूद बनाने का कारखाना हो या लड़ाकू विमान बनाने, सब कुछ ठप हो गया है। जानकारों की माने तो चीन को अब तक सिर्फ शेयर बाजार में करीब 30 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, और इसे चीन सुधारे भी तो सुधारे कैसे। दुनिया का हर एक मुल्क चीनियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहा है। भारत के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी डिफेंस एक्सपो 2020 होना है। चीन को भी इस एक्सपो में हिस्सा लेना था। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत ने प्लान क्या खूब बनाया था, सोचा था चीन से प्रतिनिधि मंडल एक्सपो में हिस्सा लेने आएंगे तो सभी सदस्यों की स्क्रीनिंग होगी, कोरोना वायरस को मात देंगे और डिफेंस एक्सपो 2020 को कामयाब बनाएंगे। वैसे डिफेंस एक्सपो 2020 कामयाब तो होगा ही, लेकिन चीनी सदस्य एक्सपो का हिस्सा नहीं होंगे। मतलब कोरोना वायरस का संक्रमण यहां भी जीत गया है। इन्हीं सब मसलों को लेकर केंद्रीय रक्षा सचिव अजय कुमार सामने आए, चीनी सदस्यों के भारत नहीं आने के पीछे थ्योरी बताई। वो थ्योरी है क्या, आप भी सुनिए। हम कोरोना वायरस से अवगत हैं, हमने आवश्यक प्रबंध किए हैं, हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस का पालन करेंगे, राष्ट्रीय प्रयासों के हिस्से के तौर पर स्क्रीनिंग की जाएगी। डिफेंस एक्सपो में हिस्सा लेने के लिए रजिस्टर्ड होने वाली कंपनियों की संख्या 1000 तक पहुंच गई है। चेन्नई में 2 साल पहले हुए डिफेंस एक्सपो 2018 में 702 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। एग्जीबिटर्स ने डिफेंस एक्सपो 2020 के लिए एग्जीबिशन की जगह पहले के मुकाबले 60% अधिक यानी 53,000 वर्ग मीटर से अधिक बुक की है। पिछली डिफेंस एक्सपो में यह जगह 26,774 वर्ग मीटर ही थी। 40 देशों के रक्षा मंत्रियों और सेना प्रमुखों ने डिफेंस एक्सपो में हिस्सा लेने की पुष्टि की है, लेकिन चीन के प्रतिनिधिमंडल नहीं आएंगे। गौर हो कि डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ में 5 फरवरी से 9 फरवरी के बीच होना है। एक्सपो के दौरान तकनीक के ट्रांसफर और रक्षा विनिर्माण को लेकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।